हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम फाइंड आउट करें, या हम बोलें कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम फाइंड आउट करें, ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड आउट करें। तो शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व के लिए हमें दो चीजें समझना पड़ेगी और वो दो चीजें हैं। पहली चीज है बजट लाइन, ठीक, जो बजट लाइन हमने पिछले वीडियो में समझी थी। इसके अलावा हमें दूसरी चीज और समझना जरूरी है, वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो इस टाइप का कर्व बनता है ना, इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है ये हमें समझना जरूरी है। तो ये उसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने समझा है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। अब दोनों को समझने के बाद में हम बात करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा या क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो वही होता है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, या कंज्यूमर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब कंज्यूमर जो है अपने कंजम्पशन पैटर्न को जो है चेंज नहीं करना चाहता है। अब बात करते हैं कि इसमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू एक होती है कार्डिनल अप्रोच, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऑर्डिनल अप्रोच इट मींस इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के थ्रू पता करना अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो उसमें एक चीज तुमने पढ़ना रहती है बजट लाइन। अब बजट लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। बजट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? बजट लाइन रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो कि कंज्यूमर की गिवन इनकम से वो बाय कर सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, तो और इसके पास जो है 100 रुपीज़ की इनकम है, 100 रुपीज़ की इनकम है, तो कितने बंडल खरीद पाएगा? या तो 0 और 10 खरीद ले, या 1 और 8 खरीद ले, 2 और 6 खरीद ले, 3 और 4, 4 और 2, 5 और 0, ऐसे ही सारे कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, इसकी प्राइस 20 रुपीज़ है और इसकी प्राइस 10 रुपीज़ है। अब 20 रुपीज़ का एक यानी कि ये हो गया 20 और ये हो गया 80। 20 और 80 कितने खर्च हो गए? 100 रुपीज़ खर्च हो गए। इसी टाइप से सभी में 100 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपको बता रहा है कि हम कितने कॉम्बिनेशंस हैं जो हम हमारे गिवन इनकम से खरीद सकते हैं। इसी बात को हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ इसी ये जो एक लाइन बनी है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? बजट लाइन। ठीक, तो बजट लाइन तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास गिवन इनकम में हम कितने सेट या कितने कॉम्बिनेशंस या कितने बंडल जो है हम परचेस कर सकते हैं। सभी में आपके ये जितने भी कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, इन सारे कॉम्बिनेशन में आपके पूरे 100 रुपये जो हैं, 100 रुपये आपके पास हैं, तो पूरे 100 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं। ये बात तो तय होगी, यानी कि इस लाइन में आप कहीं पर भी टच करें, बात एक ही है, 100 रुपये पूरे खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 रुपये खर्च हो जाएंगे, ये बात तो तय हो गई। अब सेकंड बात पे हम आते हैं, इंडिफरेंस कर्व क्या है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व हम इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा डिटेल में समझना चाहें तो आप वीडियो जरूर देखें। अब इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। जैसे कि मान लो ये अनार है और ये एप्पल है, या ये अनार है और ये एप्पल है। अब यदि आप एक अनार, एक एप्पल और 30 अनार के लिए आप खरीदते हैं, तो आपको सेटिस्फेक्शन जो मिलता है उसको मान लीजिए मैंने एस या डॉलर टाइप का निशान बना दिया। कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ भी है वो, पता नहीं क्या है, जो भी है उसको हमने कोई भी एक नाम दे दिया। फिर यदि आप 2 एप्पल और 25 अनार यदि कंज्यूम करते हैं तो भी आपको सेटिस्फेक्शन वही मिलता है। फिर यदि आप ये अलग जो कॉम्बिनेशन है वो कंज्यूम करेंगे तो भी सेटिस्फेक्शन वही है। याला यदि आप करते हैं तो भी सेटिस्फेक्शन वही है, याला भी आप करते हैं तो भी सेटिस्फेक्शन वही है, और याला भी यदि आप करते हैं तो भी सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको वही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो आपका इक्वल है। तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि इंडिफरेंस कर्व इसी बात को, यह सारे कॉम्बिनेशन को यदि हम एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर दें तो ऐसा एक ग्राफ बनेगा और उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। ठीक, अब इसमें एक चीज हमने पढ़ी थी कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि आपको एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को खोना पड़ रहा है ना, तो वो उसका रेट क्या है। तो देखें आप, जैसे कि एक बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर 5 खोना पड़ा, फिर यहाँ एक बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमको जो है 4 खोना पड़ा, और इसका रेट जो है इसे कम कम होता जाता है, यानी कि
पहले हम खोना पड़ रहा है 5, फिर दूसरी बार हमें खोना पड़ रहे हैं 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना, ऐसे और आगे और कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये बात तो हो गई आपकी इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व का MRS जो है वो ये होता है। अब दूसरी एक और चीज हमें देखना रहेगी, वो है बजट लाइन की। बजट लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन में भी आपने देखा होगा कि एक चीज को आप बढ़ाएंगे दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा। तो एक इधर आपके पास जो है स्लोप ऑफ बजट लाइन, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, ये इधर देखने को मिला था। और सेम टू सेम स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो इक्वल होता है PX/PY, यानी कि उनकी प्राइस के रेशियो में ही स्लोप ऑफ बजट लाइन भी होता है। तो आप स्लोप ऑफ बजट लाइन को एक तो पूरी तरीके से निकालें, या फिर आप सिंपली ऐसा बोल दें कि PX/PY ये भी क्या होगा, ये भी स्लोप ऑफ बजट के बराबर ही होगा। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, स्लोप ऑफ बजट लाइन वही होगा जो उसकी, जो उनकी प्राइस का रेशियो होगा। ठीक है, जो उनकी प्राइस का रेशियो होगा। अब मैं मान लेता हूं कि कोई प्रोडक्ट है, कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी, उसकी कीमत मान लेते हैं हम कि एक की प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ है और दूसरे की प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है। कितनी है, 30 और 10, तो इनका रेशियो क्या आ गया, 3:1, ये इनका रेशियो आ गया। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाली जो अप्रोच है वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि यदि जहाँ पर स्लोप ऑफ बजट लाइन और MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर हो, उस लेवल पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वह अपना कंजम्पशन जो है उस लेवल तक जो है जारी रखेगा, या वो वाला जो बंडल है वो ज़्यादा प्रेफर करेगा। ऐसा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वेयर MRS ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, या MRS इज इक्वल टू PX/PY, ये सही लिखा है मैंने, एक्स और वाई, MRS इज इक्वल टू PX/PY। यहां पर क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वेयर MRS इज इक्वल टू PX/PY। PX/PY यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन और MRS यानी कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो हमें तो पता है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो उनके प्राइस का रेशियो होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा PX/PY। अब आपको मालूम है आपने जो है 3:1 लिखा, फिर 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 3:1 लिखा। वैसे ये ना भी लिखे तो भी चलेगा, अल्टीमेटली सीधे ही हम देखें कि कहाँ पर ये इक्वल हो रहा है, ये इस लेवल पर इक्वल हो रहा है। यानी कि ये जो मैंने प्राइस का रेशियो दिया है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये वो डी वाला कॉम्बिनेशन होगा, जहाँ पर वो 4 एप्पल और 18 जो है अनार कंज्यूम करेगा। यानी कि ये वाला जो आपका, हम कहें कि ये वाला जो बंडल है, ये वाले बंडल को वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कौन सा बंडल को, ये वाले बंडल को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। और वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि MRS इज इक्वल टू PX/PY यहाँ पर है। ठीक, बिकॉज हियर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन है, तो इस वजह से वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अब ऐसा क्यों, इसको हम थोड़ा जनरल लैंग्वेज में बात करें तो देखो, जहाँ पर जो है स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो बराबर हो रहा है MRS के, वहीं पर हम जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मान रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ बजट लाइन को टच कर रहा है, इट मीन्स ये कि पैसा तो हमारा पूरा यूज हो गया, 100 रुपये थे मान लीजिए, अपना 100 रुपये पूरे खर्च हो गए। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें जो पूरे पैसे भी खर्च हो रहे, और ये जो हमें सेक्रीफाइस करने का जो रेशियो है हमारा, वो भी उसके इक्वल हो रहा है। मतलब जितना हम पैसे को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उतना ही हमें कोई चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो दोनों का सेक्रीफाइस का लेवल जो है बराबर हो रहा है। मतलब साइकोलॉजिकली यदि आप इस बात को सोचें, तो हमें ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि हाँ, जितना मेरा पैसा जा रहा है उतना ही मेरे पास कोई चीज़ आ रही है, या जिस रेशियो में मैं पैसा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ
उसी रेशियो में मैं एक चीज के बदले दूसरी चीज को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। ये जो रेशियो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक चीज के बदले दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना, इसके लिए ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम, तो 3:2 बना है ना। इसी टाइप से ये यहाँ पर जो ये जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है ये भी क्या है, एक किसी चीज़ पर पैसे खर्च करने का दूसरी चीज पे खर्च करने का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल आ रहा है। ठीक, तो हमारा जो पैसे खर्च करने का जो रेशियो है वो भी इक्वल है और जो हम चीज़ खरीद रहे हैं उसका उसको सेक्रीफाइस करने का रेशियो भी इक्वल है। तो यहाँ पर व्यक्ति का क्या फील करेगा, इक्विलिब्रियम फील करेगा, मतलब इक्वल इक्वल फील करेगा, उसके उसके मन में थोड़ा सा एक इक्वल इक्वल सी फीलिंग आती है। देखिए वैसे तो ये प्रैक्टिकली ये इतनी सारी बात कभी कभार लागू नहीं भी होती है और हमें भी ऐसा लगता है कि क्या यार ऐसा थोड़ी होता है कोई, पर लेकिन यदि आप थोड़ा सा सोचें तो ऐसा होता जरूर है। कंज्यूमर साइकोलॉजी को यदि आप समझेंगे तो ऐसा देखने को जरूर मिलता है कि जो है हम जैसे मार्केट में जाते हैं तो हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो वो चीज़ हम खरीदते वक्त हमें दिमाग में जो है पैसे को लेकर चलता रहता है। हम हर चीज़ की प्राइस को देखते हैं, तो फिर हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो पहले प्राइस देखते हैं और प्राइस देखते हैं भैया ऐसी कितनी प्राइस, मान लीजिए आप कपड़े खरीदने गए कि ये क्या ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का, हमारा दिमाग कैलकुलेशन जरूर लगाता है और वो जहाँ अपने बजट में फिट होता है और उधर भी अपना चीज़ भी उसी अकॉर्डिंग हमें लगती है वो चीज़ हम खरीद लेते हैं, है ना। हम 10 चीज़ देखते हैं, 10 चीज़ खरीद देखते हैं, एक चीज़ खरीदते हैं और वो चीज़ वो मोस्टली जो है हमारे बजट के एस्पेक्ट में ही होती है कि हमारा जहाँ बजट और वो चीज़ से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर हो जाए उस लेवल पर हम खरीद सकते हैं। तो ये जो जो हमारा ये जो कहें कि जो एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करने का जो रेशियो है वो रेशियो और जो जो पैसे का जो रेशियो है बजट का जो रेशियो है वो दोनों जहाँ सेम हो जाए उस लेवल को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये लेवल हो गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक, यहाँ पर वो अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा, यहाँ पर इस लेवल के बाद में अपना कंजम्पशन कम कर देगा। ठीक, तो वो बहुत सारे लेवल जो है हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लेवल नहीं है, ये लेवल जो है वो क्या है, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लेवल है। ठीक, यदि ये प्राइस 20 और 10 होता तो 2:1 तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ होता, यदि ये प्राइस 4:1 होती तो 40 रुपये और 10 रुपये तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ होता, 50 और 10 होती तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ होता। ठीक, अब ये तो आपने देखा ये जो लाइन है कि उसी ये लाइन क्या है, ये बजट लाइन है, बजट लाइन स्ट्रेट होती है क्योंकि उनके प्राइस जो है कांस्टेंट, दोनों के प्राइस जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगी और प्राइस का रेशियो एक जैसा है और कोई भी चीज़ का यदि जो रेशियो है वो इक्वल इक्वल एक जैसा होता है तो उसका शेप जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, बढ़ते हुए होता है तो कॉनकेव होता है, घटते हुए होता है तो कॉन्वेक्स होता है। अब इसी बात को ये MRS को यदि हम इस पर प्लॉट कर दें तो MRS को हम यदि इस पर प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा और ये जहाँ पर ये टच हो रहा है उसी पॉइंट को आपको क्या बताना है, उसी पॉइंट को आपको जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, मतलब वो तो ये डी वाला जो पॉइंट है 4 और 18 वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक, इस वाले पॉइंट को आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरह दिखा देंगे। ये सिर्फ एक पिक्चर के फॉर्म में समझने के लिए बात कि हाँ भाई जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट स्लोप ऑफ बजट लाइन दोनों टच हो जाए वो वाले लेवल को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। यदि आपको ये अभी भी डाउट है तो आप सबसे पहले तो इंडिफरेंस कर्व क्या है पहले वो देखें, फिर उसके बाद में बजट लाइन क्या होती है पहले वो पूरा वीडियो देखें, फिर यहाँ पर आएँ आप तो आपको हर बात सीक्वेंस से समझ में आ जाएगी। आई होप कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और नहीं लग रहे तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।